नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज एक बड़ी अपडेट के साथ दोबारा हम आपके सामने हाजिर हैं। रिट परीक्षा 2021 से संबंधित जो भी आज की अपडेट है उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो भी आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है उन सभी पे अपन चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, जो भी याचिकाएं लिए लग रही थी कोर्ट में उन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने 28 फरवरी तक टाल दिया है। ये रिट परीक्षा 2021 की पेपर लीक का प्रकरण है, तो आइए इससे भी आगे देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है। पहली सबसे बड़ी अपडेट यही है, देखिए इस न्यूज में है, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं को 28 फरवरी तक टाल दिया है। महाधिवक्ता MS सिंघवी जस्टिस महेंद्र गोयल के समक्ष रिट भर्ती के लेवल 2 के लिए परीक्षा रद्द किया है। अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि रिट नकल प्रकरण के 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। दोस्तों, रिट नकल प्रकरण के 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और पुलिस रिमांड पे भेजा है। ये गंगापुर सिटी की न्यूज़पेपर की कटिंग है। और भी देखते हैं इससे बड़ी अपडेट और क्या है जो रिट भर्ती 2021 के लिए देखी जा रही है। ये टोंक से निकल के उनियारा टोंक की न्यूज है। दोस्तों, इस न्यूज में कि एक LDC PWD में कोई LDC था, उसने 40 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों को पास करवाने के लिए देते, उसकी सुसाइड की न्यूज भी आज रिट परीक्षा से संबंधित न्यूज़पेपर में आई है, जिसकी कटिंग आप देख रहे हैं। इससे नेक्स्ट रिट पेपर लीक के मामले की सुनवाई 28 तक चली, जिस ये अपन ये दूसरी न्यूज़पेपर की है। इससे पहले अपन राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। जो भी कटिंग्स आई हुई हैं उन सभी कटिंग्स के बारे में इसमें अपन चर्चाएं कर रहे हैं। ये न्यूज अपन पहले देख चुके हैं। आइए इससे अगली न्यूज है, रिट परीक्षा धांधली की जांच CBI से करावे भूतड़ा। दोस्तों, ये ब्यावर की कटिंग है और इसमें मतलब अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक देवी शंकर भूतड़ा हैं, उन्होंने रिट धांधली में सरकार के बड़े मगरमच्छों को बचा रही है, ये इसने कहा है। और CBI जांच, रिट भर्ती 2021 के लिए CBI जांच की मांग की है। तो आइए और देखते हैं और बड़ी न्यूज क्या है। रिट पेपर लीक 2021 CBI जांच की मांग और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हमले के विरोध में भाजपा विधायकों ने महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया है। दोस्तों, BJP भारतीय जनता पार्टी रिट परीक्षा 2021 में जो भी पेपर लीक प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में लगातार धरने दे रही है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, उससे संबंधित यह न्यूज है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है कि रिट में भ्रष्टाचार से बेरोजगारों के पैसे डूबे, सरकार करे युवाओं को पैसों का भुगतान। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रिट में हुए भ्रष्टाचार और मुद्दा उठाया और वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों के पैसे डूबे हैं और सरकार युवाओं को पैसों का भुगतान करे ताकि उन पे कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। इससे नेक्स्ट जो न्यूज है वो सरकार 62,000 पदों पर रिट भर्ती करेगी और एग्जाम भी जुलाई तक आयोजित करवाएगी। मई में जो एग्जाम थी वो 1 महीने लेट हो सकती है और इसमें BSTC और BEd के जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका मिलेगा, यह इसमें न्यूज में आया है। दोस्तों, इससे नेक्स्ट जो न्यूज है रिट कैरियर के साथ, ये अपन न्यूज पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी न्यूज को दोबारा दूसरे न्यूज पेपर के माध्यम से मैं दोस्तों ऐसी ही न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और रिट परीक्षा से संबंधित जो भी न्यूज है उन सभी पे अपन चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।